मुल्क भर की तरह चकवाल के रहायशी भी मुसलसल 2 माह से आने वाले सुई गैस के भारी भरकम और जालिमाना बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों की एक बड़ी तादाद ने पिंडी रोड पर दफ्तर सुई गैस के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करते हुए सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। मुजाहरीन ने इस मौका पर सुई गैस के होश उड़ा देने वाले बिल मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ नाराबाजी की। एहतजाजी खबर मिलते ही DSP सदर सर्कल चकवाल मलिक मोहम्मद अनवर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए, जबकि मिंबर कौमी असम्बली सरदार जुल्फकार मौका पर पहुंचकर सुई गैस के आला हकाम को हदायत जारी की और 4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। मुल्क वाल और इसके गर्दनवा में जालाबारी का मंजर। मुल्क वाल में तेज बारिश का सिलसिला जारी है, बारिश की वजह से सर्दी में भी इजाफा। लाड़कानर जेलस चौक पर सब्जी मंडी से लोड लाने वाले ट्रक ड्राइवर पर मार्केट थाने के इमामुद्दीन खोकर नामी सिपाही ने 100 रुपया रिश्वत न देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अकरम भुट्टो और क्लीनर साजिद अली भुट्टो ने मीडिया को बताया कि मार्केट थाना के सिपाही ने लकड़ियों घूसों और लातों से मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया है। ड्राइवर का वर्सा के साथ एहतजाज। सूबाई वजीर दाखिला ने फायरिंग के मुलजम की बर वक्त गिरफ्तारी पर ट्रैफिक पुलिस अहलकारों की कारगर्दगी को सराहा। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ने अहलकारों के लिए नकद इनामात का ऐलान कर दिया है। अमन के क्याम से तमाम फोर्सेस के अहलकार अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना था कि अमन के क्याम में तमाम फोर्सेस के अहलकार अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि मीर जिया लांगू ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अहलकारों ने अपना फर्ज हिम्मत और जवामर्दी से पेश किया है। जी, ये तहसील अलीपुर के इलाका सीदपुर का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर बच्चों से वाराबंदी की बुनियाद पर सफाई करवाई जा रही है। अलीपुर मुजफ्फरगढ़ की अदम दिलचस्पी पढ़ा लिखा पंजाब का ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह गया है। सीदपुर के मेन बाज़ार के साथ मौजूद प्राइमरी स्कूल के बच्चे खाकरो बनने पर मजबूर हो गए। तालीम हासिल करने की बजाय स्कूल का कूड़ा क्रिकेट जमा करने पर रोज़ाना वाराबंदी से झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि AEO ऑफिस अली सीदपुर के पानी के कूलर भी धो कर भर रहे हैं। बच्चों के वालदैन की इतला पर मीडिया टीम ने वीडियो बना ली। स्कूल में टीचर और हेडमास्टर ना होने की वजह से इनका मौकफ ना ले सके। EEO तालीम का दफ्तर भी जो के साथ है वो भी बंद होने पर इनका मौकफ ना मिल सका, जिस पर अलीपुर के इलाका सीदपुर के सियासी और समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार और सूबाई वजीर तालीम लाहौर कमिश्नर डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि बच्चे कूड़ा क्रिकेट उठाने की बजाय तालीम हासिल कर सकें। जी, मरीद के लवाहकीन का एहतजाजी मुजाहरा। लवाहकीन का कहना है कि बट ग्रुप ने हमारा एक बेटा अगवा कर लिया था और 13 लाख रुपए तावान लिया। बट ग्रुप पर 100 से ज्यादा कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं। हम मेहनत मजदूरी करने वाले गरीबों को नंगा करके बट ग्रुप ने गलियों बाजारों में फेरा है। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। भेरा के नवाही गांव हाफिजाबाद में रात की तारीकी में नामालूम चोरों ने लाखों का सामान चोरी करने के बाद दुकान को आग लगा दी। भेरा शाहपुर रोड पर हाफिजाबाद में कायम अब्बास जनरल स्टोर पर रात की तारीकी में नामालूम चोरों ने सामान चोरी करने के बाद दुकान को आग लगा दी। जनरल स्टोर के मालिक गुलाम अब्बास के मुताबिक जनरल स्टोर में 4 से 5 लाख का सामान था। आग की शिद्दत से फ्रीजर पंखे तक जलकर खाकस्तर हो गए। पुलिस चौकी चक मुबारक इंचार्ज ने मौका मुलाहजा करते हुए शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हम इंडिया के गीदर भपकियों से डरने वाले नहीं, ये बात वफाकी वजीर हाउसिंग चौधरी तारिक बशीर छीमा ने चकवाल के नवाई गांव सगर में काफली के रहनुमा मकसूद शाह हमदानी के भाई सईद मकसूद शाह हमदानी के दावत वलीमा के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कभी भी जंग की गलती नहीं करेगा, हमारा दिफा मजबूत हाथों में है, हमारी फौज पाकिस्तान चाको चौबंद है। उन्होंने कहा
کہ کشمیر پر آسمانہ قبضے کے خاتمے کا وقت اب قریب ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان اختلافات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور ہم اپنے وجود کے مطابق حکومت کا حصہ ہیں, اور جو افواہیں پرویز الہی کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں. انہوں نے کہا کہ اس گورنمنٹ میں امیروں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا. راجہ ثاقب عباس, کے این این نیوز, چکوال. کوٹ ادو میں سرکاری زمین فصلیں کاشت کرنے والے ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی 137 کنال سرکاری اراضی واگزر کرا لی گئی.